गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक का तृतीय अध्याय है, जो कि हमारे यहाँ हिंदी के महान रचनाकार एवं साहित्यकार जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया है, इसका अध्ययन करेंगे। इस पाठ का शीर्षक उन्होंने गुदड़ी में लाल दिया है। इस पाठ के अंतर्गत उन्होंने विशेष रूप से स्वाभिमान को मानव जीवन की पूंजी माना है, क्योंकि जो स्वाभिमानी व्यक्ति होता है वो अपने जीवन काल में अपने स्वाभिमान को नहीं खोना चाहता। वो किसी के आगे हाथ फैलाकर भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन नहीं करना चाहता, क्योंकि जो व्यक्ति भिक्षा मांग करके जीवन यापन करता है उस व्यक्ति के जीवन का कोई महत्व साहित्यकार नहीं मानता, या समाज में भी ऐसे व्यक्ति का कोई अस्तित्व नहीं होता। लेखक ने इस स्वाभिमान के भाव को एक गरीब बुढ़िया के माध्यम से प्रकट करने का प्रयास किया है, जिसने अपने स्वाभिमान के नियमों का पालन करने के लिए अपने जीवन को किस प्रकार से आहूत कर दिया। यहाँ पर एक गरीब और निर्धन बुढ़िया है जो अपने जीवन काल में किसी के आगे भिक्षा नहीं मांगती। उसका शरीर बिल्कुल जर्जर हो चुका है, अशक्त हो चुका है, परंतु फिर भी वह मेहनत करके प्राप्त पैसों से ही अपना जीवन यापन करना चाहती है। वो किसी का एहसान, किसी का उपकार अपने जीवन में स्वीकार नहीं करना चाहती, यहाँ तक कि वो अपनी पुत्री के द्वारा भी कोई एहसान अपने ऊपर नहीं करवाना चाहती। अपनी पुत्री से भी वो उतना ही कार्य करवाती है जितना उसके लिए आवश्यक होता है। और अंत में जब वो बुढ़िया एक सेठ के यहाँ पर काम करती है, एक समय ऐसा आता है कि उसका शरीर अशक्त हो चुका होता है, उससे काम नहीं होता, तो सेठ उसे घर बैठने के लिए कह देता है और उसे घर बैठे बैठे ही पेंशन देने की बात कहता है, परंतु बुढ़िया उसे अस्वीकार कर देती है और घर चली जाती है। घर जाने के पश्चात वो इन्हीं विचारों में खोई रहती है, परंतु समय और होनी बहुत बलवान होता है, उसी रात को उस बुढ़िया का निधन हो जाता है, उसके प्राण पखेरु उड़ जाते हैं। उसी निर्धन बुढ़िया का चित्रण करते हुए साहित्यकार कहते हैं कि दीर्घ निश्वासों का क्रीड़ा स्थल, गर्म गर्म आंसुओं का फूटा हुआ पात्र, कराल काल की सारंगी, एक बुढ़िया का जीर्ण कंकाल जिसमें अभिमान की लय में करुणा की रागिनी बजा करती है। दीर्घ निश्वास का मतलब है बाहर निकलने वाली लंबी लंबी सांसें, कि व्यक्ति जब सांस लेता है तो बाहर निकलती है लंबी लंबी सांसें। और क्रीड़ा स्थल यानी खेलने का मैदान या खेलने की जगह, गर्म गर्म आंसुओं का फूटा हुआ पात्र, उसकी आंखों को बताया गया है जिनमें हमेशा आंसू भरे हुए दिखाई देते हैं, कराल काल यानी भयानक मृत्यु की सारंगी हमेशा बजती रहती है, और उस कराल काल के समय में भी उस बुढ़िया का जो कमज़ोर सा कंकाल जैसा शरीर था उसमें उस स्वाभिमान का भाव भरा हुआ है, और उस स्वाभिमान की लय में उसके भीतर जो करुणा की रागिनी है वो सदा बजती रहती है। अभागिनी बुढ़िया एक भले घर की बहू बेटी थी, लेकिन होनी को कौन टाल सकता है, समय बड़ा बलवान था। उसे देखकर दयालु वयोवृद्ध, जो उम्र में बड़े व्यक्ति होते थे, वयोवृद्ध का मतलब बड़ी उम्र के व्यक्ति जो होते थे, वो कहते थे हे भगवान, कह के चुप हो जाते थे। क्यों? क्योंकि उनको उसके अशक्त और निर्धन और कमज़ोर शरीर के ऊपर दया आती थी, परंतु दुष्ट व्यक्ति जो होते थे वो क्या कह कर के उसका उपहास करते थे कि इस बुढ़िया ने अमीरी में बड़ा सुख लूटा है। नवयुवक उसे कोई देशभक्त कहता था और क्या कहते थे, वो एक उसका उपहास करते हुए व्यंग्य करते हुए कहते थे कि देश दरिद्र है, खोखला है, और इस अभागे देश में जन्म ग्रहण करने का फल कौन भोग रही है, वो बुढ़िया भोग रही है। आगामी भविष्य की उज्ज्वलता में विश्वास रखकर हृदय के रक्त पर संतोष करें, परंतु व्यक्ति को क्या करना चाहिए, अपने भविष्य की उज्ज्वलता में विश्वास रखते हुए अपने हृदय में जितने भी रक्त के समान दुख के भाव होते हैं उन पर भी संतोष करना चाहिए। जिस देश का
भगवान ही नहीं उसे विपत्ति क्या और सुख क्या। लेकिन जिस देश में ईश्वर का अस्तित्व नहीं होता उस देश के लिए न तो विपत्ति महत्वपूर्ण होती न सुख महत्वपूर्ण होता। परंतु बुढ़िया सबसे यही कहा करती थी कि मैं नौकरी करूँगी, कोई मेरी नौकरी लगा दो। क्यों? क्योंकि वो स्वाभिमान के भाव से भरी हुई थी, उसका स्वाभिमान उसे किसी से पैसा मांगने के लिए मजबूर नहीं करता था। इसलिए वो क्या चाहती थी, वो नौकरी करे और नौकरी करके जो आजीविका प्राप्त हो उससे अपना पेट भरे। कोई मेरी नौकरी लगा दो, देता कौन? क्योंकि सबको पता था इस कमज़ोर और अशक्त शरीर को लेकर के वो बुढ़िया नौकरी नहीं कर सकती और करेगी तो उससे कोई काम नहीं होगा। जो एक घड़ा जल भी नहीं भर सकती, जो स्वयं उठकर सीधी खड़ी नहीं हो सकती, उससे कौन काम कराए? अर्थात उसकी अशक्तता और उसके कमज़ोर शरीर के ऊपर सबको दया भाव आता था, इसलिए कोई उसे काम कराना नहीं चाहता था। किसी की सहायता लेना उस बुढ़िया को पसंद नहीं था, किसी की भिक्षा का अन्न उसके मुख में पेटता ही नहीं था। अर्थात कोई उसके ऊपर कृपा करके दया करके उसे भिक्षा में अन्न देता था तो वो अन्न उसके मुख में नहीं जा पाता था। लाचार होकर बाबू रामनाथ ने उसे अपनी दुकान में रख लिया। उस बुढ़िया की ऐसी स्थिति को देखकर वहाँ पर एक व्यापारी था जिसका नाम बाबू रामनाथ था, उसने उसे अपनी दुकान में रख लिया। बुढ़िया के घर में उसकी एक बेटी थी, वो दो पैसे कमाती थी, अपना पेट पालती थी, परंतु बुढ़िया का विश्वास था कि कन्या का धन खाने से उस जन्म में बिल्ली गिरगिट और भी क्या क्या होना होता है। यहाँ पर मुख्य रूप से हमारे यहाँ की अंधविश्वास की जो परंपराएं आज भी मानव समाज में जीवित है उनकी ओर संकेत किया गया है कि पुत्री के कमाए धन को अगर माता पिता भोग करते हैं तो उन्हें अगले जन्म में बिल्ली गिरगिट और न जाने कैसे जानवरों के रूप में जन्म लेना पड़ता है। पुनर्जन्म के सिद्धांत को भी यहाँ पर प्रकट किया गया है। अपना अपना विश्वास ही है, परंतु धार्मिक विश्वास हो या नहीं, बुढ़िया को अपने आत्माभिमान का पूर्ण विश्वास था। या धार्मिक विश्वास हो या ना हो, लेकिन उसकी आत्मा में जो स्वाभिमान का भाव था उसके ऊपर उसको पूर्ण विश्वास था और वो उस स्वाभिमान के भाव पर पूरी तरह से अटल रही। सर्दी के दिनों में अपने ठिठुरे हुए हाथ से वो अपने लिए पानी भर के रखती। अब वो क्या करती, कमज़ोर शरीर होने के बाद भी अपना काम स्वयं करती थी, अपनी बेटी से संभवतः उतना ही काम कराती जितना अमीरी के दिनों में कभी कभी उसे अपने घर बुलाने पर कराती। मतलब पुत्री का विवाह हो चुका था और अमीरी के दिन जब उसके जीवन में थे तब जब वो पुत्री को अपने यहाँ बुलाया करती थी और उससे जितना काम कराती थी आज भी वो उतना ही काम उससे करवाती। बाबू रामनाथ उसे मासिक वृत्ति देते, वृत्ति यानी तनख्वाह जिसे कहा जाता है और वेतन जिसे कहा जा सकता है, और भी तीन चार पैसे उसे चबेनी के, चबेनी जानते हो, चबेनी जिसको खा करके व्यक्ति अपना समय व्यतीत कर सकता है, जैसे और नौकरों को मिलते थे वैसा करते थे। कई बरस बुढ़िया के बड़ी प्रसन्नता से बाबू रामनाथ के यहाँ पर कट गए, उसे न तो दुखता और न सुखता। अब उसका काम कितना सा था, दुकान में झाड़ू लगाकर उसकी बिखरी हुई चीज़ों को बटोरते रहना और यथास्थान रख देना, बैठे बैठे थोड़ा घना यानी थोड़ा बहुत जो काम हो करना बुढ़िया का दैनिक कार्य था। उससे कोई नहीं पूछता था कि तुमने कितना काम किया, क्योंकि सब जानते थे इस कमज़ोर शरीर से उससे जितना हो रहा है वही महत्वपूर्ण था। दुकान के और कोई नौकर यदि दुष्टतावश उसे छेड़ते भी थे तो रामनाथ उन्हें डांट करके मना कर देता था। क्यों? क्योंकि उसके मन में बुज़ुर्गों के प्रति पूज्यता का भाव था या सम्मान का भाव था। इस प्रकार से बसंत, वर्षा, शरद और शिशिर की संध्या में जब विश्व की वेदना, जगत की थकावट धूसर चादर में मुंह लपेट कर क्षितिज के नीरव प्रांत में सोने जाती थी तो बुढ़िया अपनी कोठरी में लेटी रहती। यहाँ पर भारत की विभिन्न ऋतुओं के नाम बताए गए हैं, बसंत की, बरसात की, शरद की और शिशिर की ऋतु, और उसकी संध्या में जब इस संसार की समस्त दुख वेदना और जगत की थकावट धूल से भरे हुए चादर में मुंह लपेट कर क्षितिज वो स्थान जहाँ पर धरती और आकाश का मिलन होता है, नीरव प्रांत अर्थात शांत वातावरण सुनसान क्षेत्र में सोने के लिए जाती थी तो बुढ़िया अपने कोठरी में लेट करके रहती थी। अपनी कमाई के पैसे से पेट भर करके कठोर पृथ्वी की कोमल रोमावली के समान हरी हरी धूप पर भी लेते रहना किसी किसी के सुखों की संख्या है, वह सबको प्राप्त नहीं है। अर्थात
बताना चाहता है साहित्यकार कि बुढ़िया के पास सोने के लिए बिस्तर भी नहीं थे तो घास पर सोती थी, इसको भी अपना सौभाग्य समझती थी क्योंकि घास पर सोना भी हर किसी के सुखों में गिनती नहीं होता। बुढ़िया धन्य हो जाती थी और उसे उस हरी हरी धूप पर सोने में भी संतोष होता। एक दिन उस दुर्बल दीन बुढ़िया को बनिए की दुकान में लाल मिर्चें फटकनी पड़ी, मतलब लाल मिर्चियों की सफाई उसको करनी पड़ी। बुढ़िया ने किसी किसी कष्ट से उसे संवारा परंतु उसकी तीव्रता वो सहन न कर सकी, अर्थात मिर्ची की जो जलन थी उसकी वेदना को वो सहन न कर सकी और उसे मूर्छा आ गई, मूर्छा अर्थात बेहोशी आ गई। रामनाथ ने देखा और देखा अपने कठोर तांबे के सिक्के की ओर, उसके हृदय में ने धिक्कारा परंतु अंतर आत्मा ने ललकारा। उस बढ़िया रामनाथ को साहस हो गया, उसने सोचा कि इस बुढ़िया को पेंशन नहीं दे सकता, पेंशन अर्थात सेवानिवृत्ति के पश्चात प्रदान की जाने वाली आजीविका या जीवन राशि, क्या उसके पास इतना अभाव है, अवश्य दे सकता है। उसने मन में निश्चय किया, अर्थात बुजुर्ग के प्रति सेवा भाव परोपकार का भाव उसके मन में जगा और उसने उस बुढ़िया से कहा कि तुम बहुत थक गई हो, अब तुमसे काम नहीं हो सकता। बुढ़िया के देवता कूच कर गए, कौन से देवता, उस स्वाभिमान के देवता, क्योंकि उसे ऐसा लगा अब उसका स्वाभिमान मर जाएगा और उसे भिक्षा मांगकर जीवन यापन करना पड़ेगा। उसने कहा नहीं नहीं, अभी तो मैं अच्छी तरह काम कर लेती हूँ, नहीं अब तुम काम करना बंद कर दो। ये बात किसने कही, बाबू रामनाथ ने कही, तो मैं तुमको घर बैठे पेंशन दिया करूँगा। कि नहीं बेटा, अभी तुम्हारा काम मैं अच्छा भला किया करूँगी। लेकिन ये बोलते बोलते बुढ़िया के गले में कांटे पड़ गए थे, अर्थात उसका स्वर अवरुद्ध हो गया था, उसका स्वर रुक गया था। किसी सुख की इच्छा से नहीं, पेंशन के लोभ से भी नहीं, उसके मन में धक्का लगा। क्यों? क्योंकि उसके स्वाभिमान को चोट लगी कि अगर वो काम नहीं करेगी तो स्वाभिमान्य होने के कारण वो पेट कैसे भरेगी, वो भिक्षा भी नहीं मांग सकती थी। मैं बिना किसी काम के किए इनका पैसा कैसे लूँगी, क्या यह भीख नहीं है? आत्म अभिमान का इतना झंझना उठा, हृदय तंत्र के तार कड़े होकर के चढ़ गए। तब रामनाथ ने मधुरता से कहा कि तुम घबराओ मत, तुमको कोई कष्ट नहीं होगा। बुढ़िया चली आई, क्यों? उसके इतने कहने के बाद वहाँ पर रुकना उसके लिए उचित नहीं था, उसका स्वाभिमान इसके लिए उसको अनुमति नहीं दे रहा था। तो बुढ़िया वहाँ से चली आई, उसकी आँखों में आंसू थे। आज वह सूखे काठ सी हो गई थी, काठ यानी लकड़ी के समान हो गई थी। घर जाकर बैठी कोठरी में अपना सामान एक और सुधारने लगी, अर्थात सामानों को सुरक्षित करने लगी, जमाने लगी। बेटी ने कहा, माँ ये क्या करती हो? तो माँ ने कहा, चलने की तैयारी करो, क्योंकि उसका स्वाभिमान क्या कर रहा था, अब यहाँ रुकेगी तो काम नहीं कर सकेगी और उसे भिक्षा मांगना पड़ेगा और भिक्षा उसे अपने जीवन में स्वीकार नहीं थी। माँ ने कहा, चलने की तैयारी करो। रामनाथ अपने मन में अपनी प्रशंसा कर रहा था, अपने को धन्य समझता था, क्योंकि उसने समझ लिया था कि हमने आज एक अच्छा काम करने का संकल्प किया है, भगवान इससे अवश्य प्रसन्न होंगे। बुढ़िया अपनी कोठरी में बैठे बैठे विचारती थी कि जीवन भर के संचित इस अभिमान रूपी धन को एक मुट्ठी अन्न की भिक्षा पर बेच देना होगा, असही है, अर्थात ये उसके सहन करने योग्य बात नहीं थी। भगवान क्या मेरा इतना सुख भी नहीं देख सकते, उन्हें सुनना होगा, वो प्रार्थना करने लगी। परंतु उन्हीं को कुछ और मंजूर था, वो स्वाभिमानी जीवन को जीने वाली बुढ़िया शायद भिक्षा मांगने के लायक समय अपने जीवन में प्राप्त नहीं कर पाएगी, उसके जीवन का समय पूर्ण हो जाएगा। इस अनंत ज्वालामयी सृष्टि के कर्ता ये भगवान को संबोधित किया है, क्या तुम ही करुणा निदान हो? क्या इसी डर से तुम्हारा अस्तित्व माना जाता है? अभाव, आशा, असंतोष और आर्तनादों के आचार्य, यहाँ पर भगवान को संबोधित किया है। आर्तनाद का अभिप्राय यहाँ पर है व्याकुलता में जो चिल्लाने की आवाज़ें होती हैं, क्या तुम्ही दीना ना तो तुम्हें वेदना का विषम जाल फैलाया है, तुमने निष्ठुर दुखों को सहने के लिए मानव हृदय सा कोमल पदार्थ चुना है और उन्हें विचारने के लिए स्मरण करने के लिए दिया है अनुभवशील मस्तिष्क, अर्थात भगवान के द्वारा किए जाने वाले कर्म, प्रदान किए जाने वाले भाव और मानव का अनुभवशील मस्तिष्क, इसकी चिंतन शक्ति को यहाँ पर प्रकट किया गया। कैसी कठोर कल्पनाएँ, निष्ठुर अर्थात तुम कठोरता को धारण करने वाले हो, तुम्हारी कठोर करुणा की जय हो, मैं चिर पराजित हूँ, चिर पराजित यानी लंबे समय से हारी हुई हूँ। सहसा बुढ़िया के क्षीण मुख अर्थात सूखे हुए मुख पर चमक आ गई, कांति आ गई। उसने देखा एक स्वर्गीय ज्योति उसे बुला रही है, वह हंसी फिर शिथिल होकर के
लेट गई। रामनाथ ने दूसरे ही दिन सुना कि बुढ़िया चली गई वेदना क्लेशहीन अक्षय लोक में, अर्थात यहाँ पर वेदना भी नहीं था, क्लेश भी नहीं था, और ऐसा लोक था जहाँ पर सुख था। उसे स्थान मिल गया, उस महीने की पेंशन से उसका दाह कर्म उसने करवा दिया। फिर एक दीर्घ निश्वास छोड़कर बोला कि अमीरी की बाड़ में न जाने कितनी वस्तु कहाँ से आकर एकत्र हो जाती है। अमीर के पास न जाने कितनी वस्तुएं आकर के एकत्र हो जाती हैं। बहुतों के पास उस बाढ़ के घर जाने पर केवल कुर्सी कोच और टूटे गहने रह जाते हैं। यहाँ पर कहने का अभिप्राय है उनके पास बचता है तो सिर्फ क्या चार पहियों वाली गाड़ी, कोच अर्थात चार पहियों की गाड़ी, कुर्सी और टूटे हुए गहने, परंतु बुढ़िया के पास क्या रह गया था? उसका स्वाभिमान, जिसकी गुदड़ी का लाल था, अर्थात जो उसे सबसे ज़्यादा प्रिय था। गुदड़ी का लाल वैसे पुत्र के लिए संबोधित किया जाता है, और माँ को जिस प्रकार अपना पुत्र प्रिय होता है उसी प्रकार उसे अपना स्वाभिमान प्रिय था। धन्यवाद।